जो घटनाएं हो रही हैं बड़ी शर्मनाक हैं, बड़ी निंदनीय हैं। इन घटनाओं को कोई भी व्यक्ति, संजीदा व्यक्ति इनकी निंदा करेगा। अब इन घटनाओं को रोकने के लिए पूरे समाज को, शासन प्रशासन को, सबको सतर्क होना पड़ेगा। हमने हरियाणा में बहुत से कदम उठाए हैं, पुलिस की बहुत सी व्यवस्थाएं हमने की हैं, पुलिस महिला पुलिस स्टेशन खोले हैं, दुर्गा ऐप हमने बनाई है, और अभी डायल 112 का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 450 वाहनों के माध्यम से पुलिस को और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, और जन जागरण के नाते भी जनता में एक इस प्रकार का विचार इसको भी ले जाने के लिए हमारे सारे सरकार के डिपार्टमेंट वो काम करेंगे। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जहां तक तीन महीने में सर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप दो बार, मैंने बताया, बड़ी निंदनीय है। फिर भी सरकार, पुलिस अपना काम कर रही है और किसी भी कल्प्रेट को, किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, और उसका जो भी संज्ञान लिया जाएगा उसके लिए हमने फास्ट ट्रैक करने की बात भी कही है। 12 साल से छोटी बच्चियों का एक कैपिटल पनिशमेंट का जो नियम हमने कानून पास किया था, हमको इस बात की खुशी है कि उसको केंद्र ने भी अडॉप्ट कर लिया, सारे देश भर में वो लागू है।